हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पे ताल्लुक सिंह राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम पेमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन 26,000 से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। हालांकि इससे पहले भी मैं एक न्यूज़ बना चुका हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं उसको जाके भी। लेकिन उस मीटिंग में जो 7 मार्च को हुई थी कैबिनेट मीटिंग, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में, और क्या प्रमुख हमारी डिमांड्स थी ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेड बटन को प्रेस करके ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ पर। आप सामने देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी पर मोदी सरकार कब लेगी फैसला, लोगों की उम्मीदें बरकरार। देख लेते हैं पूरी न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करेगी या नहीं, यह सवाल सभी लोगों की जुबा पर है। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इससे जुड़ा फैसला नहीं किए जाने की वजह से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में निराशा बढ़ी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी कम से कम 8,000 रुपये सैलरी पाते हैं। इनकी मांग थी कि इसमें कम से कम 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68% करने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी नरेंद्र मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो और उचित लाभ मिले। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने अलग अलग पैमानों में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई और इससे जुड़े मांगे सरकार के सामने रखी हैं। मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी बैठक बीते 7 मार्च को हुई, गुरुवार को हुई, यानी 7 मार्च हुई, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। लेकिन फैसलों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किए जाने से लोगों को काफ़ी निराशा हुई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के इतर सरकार उनके लिए कुछ विशेष फायदे दे, लेकिन सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि उनका वर्तमान बेसिक पे ज़्यादा नहीं है, इससे उनकी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसलिए लोगों की मांग थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इनके लिए लोक लुभावन घोषणा करे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के बाद सरकार कोई लोक लुभावन घोषणाएँ नहीं कर पाएगी। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, आज जो इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शंस की डेट्स होंगी आज घोषित कर देगा। इससे पहले खबरें आ रही थी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सामने इससे मुद्दा भी रखा था, लेकिन मंत्रालयों की सहमति न बन पाने से इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि हाल में ही मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से के डीए और डीआर बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र कर्मचारी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। मालूम हो कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी कम से कम 8,000 रुपये सैलरी पाते हैं। इनकी मांग थी कि इससे कम से कम 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68% करने की मांग की गई थी। तो पूरी डिटेल में आपने देख ली उस मीटिंग में क्या हुआ, बहुत सारे मुद्दों का फैसले लिए गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सब के लिए कोई भी इसमें ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर आगे कोई भी और अपडेट या न्यूज़ आई तो आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।